गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको इंट्रोडक्शन वाला क्लास तो मिल ही गया होगा, तो आज से हम आपको टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, टॉपिक में आपका हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। जो आपका चैप्टर है ये आपका आधारित है अल्फाबेट पर। अल्फाबेट में टोटल आपके कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। इसी 26 लेटर पर हमें आपको कोडिंग डिकोडिंग को ध्यान में रखकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको सर्वप्रथम अल्फाबेट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर अल्फाबेट का नॉलेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं अल्फाबेट क्या होता है। ठीक, तो अल्फाबेट हम पूरा लिख लेते हैं। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसी के जस्ट नीचे हम एल ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि हमने इसको दो लाइन में क्यों लिखा। दो लाइन लिखने में देखिएगा, ए से लेकर के यम तक और यम से लेकर के जेड तक, है ना। ए से लेकर के यम तक के पार्ट को हम करते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक, और यम से लेकर के कहां तक के पार्ट को? जेड तक के पार्ट को हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश, है ना। ध्यान रखिएगा, कोई भी गड़बड़ी यहां से मत करिएगा। ए से लेकर के यम का ही प्रथम अर्धांश होगा। अगर आप उल्टा बोलोगे नहीं, यम से लेकर के ए तक का प्रथम अर्धांश होता है, तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे वहां पे आपको ये पूछेगा प्रथम अर्धांश को सीधे रूप में रखा जाता है और सेकंड अर्धांश को उल्टे क्रम में रख दिया जाता है, तो बताइएगा कि बाएं से छठवें स्थान के दाएं चौथा लेटर कौन सा होगा, है ना। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम प्रयास ये करेंगे हमेशा इसको सीधा बोलेंगे, कहां से कहां तक, ए से लेकर के यम तक के पार्ट को क्या कहेंगे? प्रथम अर्धांश कहेंगे। और यल से लेकर के जेड तक के पार्ट को हम क्या कहेंगे? द्वितीय अर्धांश कहेंगे। यानी टोटल 26 लेटर था, है ना। 26 लेटर्स को मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में आपका कितना लेटर? 13 लेटर। और सेकंड पार्ट में कितना लेटर? 13 लेटर। टोटल कितने हो गए? 26। ठीक, अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग जो आपकी आगे की प्रोसेस चलेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको कोड याद कराएंगे। जनरली अगर आपका कोड याद नहीं होगा क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन को हिलाने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम कोड को याद करेंगे। कोड याद जिसको नहीं होगा यही से याद करा देंगे। मैक्सिमम 5 मिनट में आपको कोड याद हो जाएगा, है ना। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोडिंग बहुत ही आसान चैप्टर मिलेगा आपको, है ना। तो कोड याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, है ना। आपको एक मनोरंजन की तरह से आपका एक कोड याद हो जाएगा। अगर जिसको यहां से भी नहीं याद होगा हम उसको एक कहानी सुना देंगे, उसको कोड अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, पहले मनोरंजन टॉपिक पे लेकर के चलते हैं कि कोड को हम याद कैसे करेंगे, है ना। ठीक, देखते हैं। जनरली हम ये बात करेंगे कि ए से लेकर के डी तक के कोड सभी याद कर सकते हैं। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का कितना? 4 होगा, है ना। एक शब्द उठाएंगे, कौन सा शब्द, है ना। एक लड़की थी ज्योति, ज्योति को किसी ने बुलाया, कैसे बुला रहा है? ए ज्योति इधर आओ, है ना। तो ई ज्योति नाम क्या गया? ई ज्योति, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर हमको निकल के आया, है ना, ये 5 का मल्टीप्लाई लेकर के चलता है। 5, 10, 15, 20, 25, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ई का कोड 5 मिल गया, जे का कोड 10 मिल गया, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20, वाई का हो गया 25।
तो देखिएगा टी वाला कितना आसान है, सब लोग देखते हो क्रिकेट, कौन सा T20 क्रिकेट है ना, और सब लोग इसको खाते भी हो, क्या खाते हो T20 बिस्किट है ना। तो यहां से टी का कोड जनरली याद हो गया कितना 25। अब देखिएगा ई का कोड आपको यहाँ से 5 मिला, तो एफ का कोड क्या होगा, इसके आगे चलते हैं। एफ के लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा, एफ देखिए ऐसे लिखा गया है ना, अगर नीचे से इसका मुंह बंद कर दे तो क्या बन गया, ये तो 6 बन गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एफ का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया है ना। इसके बाद आपका लेटर कौन सा आएगा, जी है ना, G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन है ना, G7 शिखर सम्मेलन याद करते चलिए है ना, G7 शिखर सम्मेलन ठीक। इसके बाद उठाएंगे एच को, एच के लिखने का तरीका देखिएगा, एच कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया, इसके ऊपर से मुंह बंद कर दो, नीचे से मुंह बंद कर दो, रेलवे की घड़ी में कितने बज गए, 8 बज गए, इसका मतलब क्या हो गया, एच का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया है ना। इसके बाद बात करते हैं आई की, आई तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब आप 4 लाइनिंग वाले कॉपी का जो इंग्लिश का कॉपी होता था उसमें आई कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे है ना, इसका मतलब लाइनिंग देख लो, ऐसे 4 लाइनिंग रहेगा उसमें आई आप ऐसे लिखते थे आई है ना। तो ये किस आकार में जा रहा है, 9 के आकार में, यानी यहाँ पे आई का मान कितना मिल गया, 9 है ना, और यहाँ मैंने ज्योति में बता दिया था ज्योति कितना 10 है ना, जे का मान कितना यहाँ से 10 है ना। बहुत ही आसान है, आप याद करते चलिए साथ में, अभी 5 मिनट में आपको कोड याद हो जाएगा है ना। इसके बाद आप देखिएगा कौन सा पार्ट आएगा, के का पार्ट आएगा, के लिखने का तरीका देखिएगा, के पहले जैसे पाइप खींच दिया मैंने है ना, पाइप खींचने के बाद देखिए ऐसे इसको ऐसे कर दिया है ना, हम ये मान चलते हैं कि ये आपका धागा और यहाँ पे हम किसी दीवार में फिक्स कर दिए, अब इस धागे को नीचे से खींच लीजिए, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा है ना, इसका मतलब के का मान कितना मिल गया, 11 है ना। इसके बाद आपका आता है यल है ना, यल को याद करने का ढेर सारा तरीका है ना, अगर मनोरंजन के रूप में देखें है ना तो थोड़ा इमोशनल चीज यहाँ पे आती है। एल का मतलब होता है लव, लव का मतलब सभी लोग जानते होंगे है ना, तो ठीक है अगर जान ही गए हो तो ये ध्यान दे लो, लव किस क्लास में होता है, 12वीं क्लास में होता भी है ना, लव किस क्लास में होगा, 12वीं क्लास में, इसका मतलब एल का मान कितना मिल गया, 12 मिल गया। अगर किसी को यहाँ पे डाउट होता है जो इस लव से दूर हो है ना, तो उसके लिए एक और आता है लंच है ना, लंच कितने बजे करता है, 12 बजे करता है, फिर भी आपका एल का मान कितना मिल गया, 12 मिल गया है ना। इसके बाद हम यम और यम दोनों को साथ में उठाएंगे और उसके बाद में यू और बी को एक साथ में कोड याद करेंगे। देखिए बहुत आसान है, यहां से डायरेक्ट एसएससी में क्वेश्चन आया था है ना, डायरेक्ट में क्वेश्चन कैसे आया था, यम रेशियो यन समान अनुपात में प्रोपोर्शन में यू अनुपाते बी है ना। तो यहां पे देखिएगा यम 13, 14, 21, 22 है ना, 21 और यहाँ पे 22 ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, यम का मान 13 हो गया, यम का मान कितना हो गया, 14 हो गया, यू कितना हो गया, 21 हो गया, बी कितना हो गया, 22 याद हो गया यहाँ पे ठीक। देखिएगा यम कितना 13, यम कितना 14, यू कितना 21, बी कितना 22, बहुत आसान है याद हो गया है ना, बहुत आसान है, यम 13, यम 14, यू 21, बी 22, यानी यम एन 13, 14, यू बी 21, 22 ठीक। आगे चलते हैं, ओ का मान हमें पहले ही पता था, किसमें, ज्योति लेकर के आई थी, ओ का कितना 15, ओ का कितना लाई थी 15 लाई थी है ना 15। इसके बाद आपका आता है पी है ना, पी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बुरा मत मानिएगा, ये मान के लेके चलते हैं पी, पी से किसी लड़की का नाम होता है पूजा है ना, कोई भी लड़की इस पर ध्यान नहीं देगी कि उसका नाम यूज हो रहा है, नाम से मतलब नहीं, सिर्फ आपको कोड से मतलब है, कोड आपको याद करना है ना।
पूजा एक लड़की है, अपने पति को पाने के लिए कितना व्रत रखती है? 16 सोमवार व्रत रखती है ना। कितना सोमवार व्रत रखती है? 16 सोमवार। इसका मतलब क्या हो गया? पी का मान कितना मिल गया आपको? 16 मिल गया है ना। बहुत सही, यहाँ पे याद हो गया आप लोगों को। ठीक, इसके बाद आपको उठाते हैं क्यू, है ना। क्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहाँ पे कोई बताए यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होगा? हम बताते हैं क्यू का मतलब क्या होता है। क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी। रानी कब अच्छी लगती है भैया? जब वो 17 साल की होती है। यानी क्यू का मान कितना मिल गया? 17। 17 वर्ष की अवस्था में रानी देखने में अच्छी लगती है ना। तो क्यू का मान कितना हो गया? 17। ठीक, अब यार इतना मैंने बता दिया तो आर का मान याद कर लो कितना? 18 है ना, एक तो याद ही कर सकते हो ना। आर का मान कितना? 18। ठीक, इसके बाद यस की बात करते हैं, है ना। यस देखिएगा, यस यहाँ पे है। ठीक, केमिस्ट्री की भाषा में यस को क्या लिखते हैं? सल्फर लिखते हैं ना। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। लेकिन रीजनिंग की भाषा में कितना होता है? 19 होता है ना। तो सल्फर का यानी यस का कोड कितना मिल गया? 19। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया था टी का कितना होगा? 20, T20 है ना। T20 क्रिकेट, T20 बिस्किट। कितना बात समझ में आ गई? ठीक, आगे यू की बात करते हैं। यू यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट के रूप में मैंने बताया भी था आपको, रेशियो प्रोपोर्शन के रूप में। यम यम 13-14, यू बी 21-22। इसका मतलब क्या हो गया? यू का मान कितना? 21 और बी का मान कितना? 22 है ना। तो यू का मान 21 और बी का मान कितना? 22 है ना। इसके बाद बात करते हैं डब्ल्यू की, है ना। डब्ल्यू देखिएगा, ये किसका उल्टा रूप हुआ है ना। ये उल्टा रूप किसका है? एम का, यानी एम का सीधा रूप डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा रूप है ना। देखिएगा, तो एम का मान कितना मिला था हमको? 13। अब इसको एक को एक बार पलटोगे तो ये बन जाएगा तो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का मान कितना? 23। ठीक, अब भैया एक्स याद कर लो, है ना। एक्स कितना? 24। वाई कितना? ज्योति से 25। ठीक, और ना याद करते हुए भी कोई भी बंदा बोलेगा कि जेड कितना होता भैया? 26। जेड कितना आ गया? 26। क्लियर। अब देखिएगा, कोड याद करने में संभवतः आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोड आप याद कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, आप देख करके तुरंत यहीं पे याद करिएगा, है ना। कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान कोड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है। ठीक, और ट्रिक को भी फॉलो करिए, है ना। अपने अंदर भी इस बातों को ध्यान में रखिए कैसे कैसे याद हो गया। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे यल का है, यल तो कभी नहीं भूलेगा। लव, लव किस क्लास में होता है? 12वीं क्लास में होता है। ठीक, क्यू, क्यू का मतलब रानी। रानी कितने वर्ष में अच्छी लगती है? जब वो 17 वर्ष की होती है। इसके बाद पी, पी मतलब पूजा। पूजा 16 सोमवार में करती है अपने पति को पाने के लिए, है ना, भगवान भोलेनाथ का। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोड याद हो गया होगा। ठीक ठीक है, जब आपको कोड याद हो गया होगा तो इसके आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके आगे की जो टॉपिक आती है आपकी, है ना, वो आपका आता है अपोजिट लेटर, है ना। अपोजिट लेटर यानी विपरीत क्रम जिसे कहते हैं। तो विपरीत क्रम भी भैया आपको ट्रिक से भी याद हो जाएगा, ऐसे भी याद हो जाएगा, है ना। देखिएगा, अगर आपको अपोजिट निकालना हो किसी भी लेटर का, तो हम ये कहते हैं कि ट्रिक पर ध्यान ना दे करके एक दो नियम है छोटे से, बहुत ही आसान है, जिसमें आपका एक कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, उस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम ट्रिक को ना अपना करके किसको अपनाएंगे? रूल को अपनाएंगे, है ना। अब रूल को अगर आप अपना रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट तैयार हो जाएगा यहाँ से। ट्रिक क्या होता है, एक दो दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको नियम भी बता देते हैं, ठीक ना। देखिएगा, ट्रिक
अपोजिट यानी विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। देखिएगा विपरीत क्रम क्या होता है। विपरीत क्रम का मतलब जैसे अगर कोई लेटर कह दिया जाए कि जे का उल्टा कौन सा होगा, जे का उल्टा कौन सा होगा, है ना, तो जे का उल्टा हम ढूंढेंगे, अगर ऊपर नीचे करेंगे ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास टाइम कितना रहता नहीं रीजनिंग में, क्योंकि हमको फटाफट क्वेश्चन को है ना सॉल्व करना होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमको टाइम इसी से बचाना है। अगर आप टाइम बचा ले जाए तो किसी और पार्ट के लिए दे देना, है ना, टाइम का बचत करो। कहाँ से टाइम का बचत होगा भैया, इसी रीजनिंग से होगा, है ना, ये आपको अच्छा नंबर भी देगा और आपका अच्छा टाइम भी बचाएगा, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे हम अपोजिट की बात करते हैं, आपके एक प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या नाम उनका, नरेंद्र मोदी, उनका सब काम उल्टा रहता। देखो एम फॉर नरेंद्र, एम फॉर मोदी, नरेंद्र मोदी, देखो काम उल्टा है ना, तो नाम उल्टा काम उल्टा, नरेंद्र मोदी, है ना, ठीक। इसके बाद देखिएगा लव, एल ओ बी ई, है ना, देखिएगा प्यार भी सब उल्टे सीधा होता है ना, तो यहाँ भी देखिए लव भी क्या करेगा, कह रहा कि हम भी उल्टा सीधा रहेंगे, है ना, ठीक। देखिएगा तो यल का अपोजिट क्या हो गया, ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल, बी का अपोजिट क्या हो गया, ई का अपोजिट क्या हो गया, बी, है ना। इसके बाद एक शहर है आपका कानपुर, कैसे कान हो गया, किसेपुर हो गया, कानपुर हो गया, है ना। और उसके बाद इधर देखिएगा आई आर, आई आर कैसे याद करोगे, फिजिक्स में सभी लोगों को पता है बराबर आई आर, है ना, आई आर भी आपस में मिलकर काम करेगा, ठीक। इधर देखिएगा हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल, ठीक, एच एस, ठीक, जीटी रोड, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ट्री बना करके याद कर सकते हो, सेल्फ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मुझे ये फॉलो करो, ये ट्रिक है, किसी का दिमाग कुछ होता है, किसी का दिमाग कुछ होता है, तो इसके लिए परेशान मत होना, है ना। तो इसको आप अपने तरफ से जो भी दिमाग में आए आपको बस याद रखना है, है ना, याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। जितना बेहतरीन आप याद किए रहोगे आपको उतना बेहतरीन इसका समय का बचत करेगा, है ना, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्रिक के बेस पे आप याद कर लीजिएगा, मैंने जो बताया इसी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जहां भी कोई दिक्कत होगा फिर बताना आगे, है ना, ठीक। लेकिन जो नियम है, मैंने नियम की भी बात की थी कि मैं नियम बताऊंगा, नियम बहुत आसान होता है, ठीक। देखिएगा दो रूल आपको मिलेंगे, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड, है ना। देखिएगा रूल फर्स्ट क्या होता है आपका, अगर किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखिएगा टोटल लेटर कितने होते हैं, 26, इसमें हम एक को बढ़ा देते हैं तो टोटल कितना हो गया, 27, ठीक। यानी पहला नियम आपका जो आएगा, जिस किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर ज्ञात करना हो उस लेटर के कोड में, तो कोड याद ही हो गया है, तो उस लेटर के कोड में ऐसी संख्या हम जोड़ देते हैं जिनका योग 27 के बराबर हो जाए। क्लियर है फर्स्ट रूल, फिर से बताएं, फिर से सुन लीजिए, जिस किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना हो, ठीक, उस लेटर में ऐसी संख्याओं का योग करते हैं कि जो 27 के बराबर हो जाए। जब 27 के बराबर हो जाए तो जिस संख्या को जोड़ेंगे, जिस वाले लेटर में जोड़ेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, जैसे हमने कहा जी, है ना, क्या कहा जी, देखिएगा अब कोई कह रहा कि सर हमें बताइए जी का अपोजिट हम कैसे क्या करेंगे, संख्या से कैसे जोड़ करके निकालेंगे, तो बहुत आसान है। देखो जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें, कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें जो 27 से क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो 7 यहाँ पे है, कितने की कमी है, 20 की, यानी यहाँ पे 20, और 20 के लिए कोड क्या आता है, टी, है ना। अब देखिएगा जी और टी आपस में क्या है, विपरीत, है ना, जी टी के विपरीत है, टी किसके विपरीत है, जी के विपरीत है। और एग्जाम्पल करा देते हैं, जैसे किसकी बात करते हैं, आर की, है ना, आर,
आर का कोण कितना होता है 18, 18 में कितना जोड़ देंगे 27 हो जाए, 9 जोड़ देते हैं, 9 का मतलब क्या आई, ठीक। तो आर और आई आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए, बात समझ में। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल है, जिसको कहो उठा लेते हैं ना। चलो हम चार की बात कर लेते हैं, डी की है ना, तो डी डी का कोण कितना होता है 4 है ना। अब 4 में कितना जोड़ते हैं 27 के बराबर हो गया, 23 4 27 है ना, तो 23 किसके लिए आता है, W के लिए है ना। इन दोनों का योग देखो किसके बराबर हो गया, 27 के बराबर हो गया। तो जब ये 27 के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि D का अपोजिट W और W का अपोजिट क्या हो गया, D हो गया। बात समझ में आई भाई है ना। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और हम ये इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि कोड जो होगा याद हो गया होगा और आपके जो विपरीत क्रम वाले हैं विपरीत भी आप आसानी से निकाल सकते हो है ना, ठीक है। एक नियम यहां से मिल गया, दूसरा नियम देख लीजिए, सेकेंड रूल, ठीक। सेकेंड रूल क्या है आपका, अगर जिस किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर आपको निकालना हो ठीक, उसको हम क्या करते हैं 27 में से उसको हम घटा देते हैं, ठीक। सीधा फंडा वहां पे जोड़ना था, यहाँ क्या करेंगे 27 में से हम उसे घटा देंगे, जैसे हम किसके निकाले थे ठीक। देखिएगा हम 19 की बात करते हैं, 19 का अपोजिट है एस, 19 का मतलब क्या होगा एस है ना। तो 27 है आपका, 27 में से अगर हम 19 को निकाल दें क्या बचा 8, और 8 के लिए कोड क्या आएगा एच, यानी एच और एस आपस में क्या हो गए अपोजिट हो गए। अब देखिएगा अपोजिट का मतलब ये सिर्फ H जो है S का अपोजिट नहीं है, दोनों आपस में अपोजिट होंगे है ना, इंटरचेंज के रूप में। S जो है H का होगा, H जो है किसका होगा S का होगा, बस समझ में। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ठीक, जिसका कहिए, चलिए हम देख लेते हैं B का है ना, B B का कोड मतलब 22 है ना। तो 19 में से हम सॉरी 27 में से इसे हम घटा देंगे, तो 27 में से घटाओगे 22 5 27 है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा अगला 5 आएगा, और 5 का कोड कितना होता है ई होता है ठीक। और हमने बताया भी था किसमें, लव वाले केस में है ना, कि बी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट बी। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। अब देखिएगा आपको कोड और इसके बाद आपके अपोजिट लेटर ये दोनों आपको बता दिए गए हैं ठीक। अब इसके बाद आपका आता है सर्कल का नियम है ना, पहले विद्यार्थी सबको पूरा कर लेते हैं फिर आपके टॉपिक क्वेश्चन को शुरू करते हैं है ना। बहुत ही आसान है कोडिंग, कोडिंग है ना, मस्ती में आप कर ले जाओगे ठीक। देखिएगा सर्कल का नियम, सर्कल का नियम मतलब आपका वृत्त का नियम है ना। अब कुछ लोग के दिमाग में आ गया होगा कि ये वृत्त का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्त का नियम। अगर आपको सर्कल का नियम नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर पाओगे। कैसे करते हैं देखिए, ये आपका एक सर्कल है ठीक। अब हम जानते हैं अल्फाबेट कहां से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, अगला लेटर क्या होगा बी होगा, अगला लेटर क्या होगा सी होगा, अगला लेटर क्या होगा डी होगा। तो पीछे से हम बात कर लेते हैं, तो पीछे का लास्ट लेटर कितना जेड, फिर उसके बाद कौन सा आएगा वाई आएगा, इसके बाद क्या आएगा एक्स आएगा। तो इसी प्रकार क्या होगा आपका एक सर्कल कंप्लीट होता है डी के आगे भी हाँ, इसी प्रकार से पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है 26 लेटर का ठीक। आप देखिएगा ये फॉलो कैसे करता है ठीक। हम जानते हैं कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो किसी को सांकेतिक भाषा के रूप में रख करके ठीक, तो क्या होता है कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं ठीक, जो हमारे कोड 26 तक हम जानते हैं 26 से आगे निकल जाता है, जैसे 28 आ गया है ना। अब 28 का कोड तो हमें नहीं पता ना, तो 28 का कोड जब नहीं पता क्या करते हो 26 घटा दोगे ना ठीक। तो 26 घटाने का मतलब क्या हो गया 2 लीटर आगे निकल गया है ठीक, कितना हो गया 2 आएगा, और 2 का कोड कितना मिलेगा बी मिल जाएगा। बात समझ में आई ठीक, यही आपका सर्कल का नियम होता है ठीक ना। अगर मान लीजिए 2 लेटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे मान लीजिए आ गया 35,
है ना। तो 35, अब इसका कोड तो हमें पता नहीं है, जब इसका कोड नहीं पता है क्या करेंगे हम इसे, इसी में से 26 को हम घटा देंगे। ठीक, बात क्लियर। अब जो भी आपका आएगा उसके लिए क्या कर लेंगे, उसका हम कोड निर्धारित कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए आपका 54 आ गया है ना, जोड़ने के बाद आपका आ गया 54। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, फिलहाल इतना लंबा तो आएगा नहीं, मैक्सिमम 26 गुना 52 है ना, 51 तक का ही आ सकता है, 50 तक आ सकता है, लेकिन 54 तक जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना। फिलहाल देख लीजिए, अगर 54 आ गया तो क्या करेंगे है ना, फिलहाल आएगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि लास्ट आपका अक्षर होता है 26 को अगर हम दो बार जोड़ेंगे तो 52 पहुंचेगा, लेकिन एक केस में पहुंच सकता है इसमें, जो आपका गुणा का केस होता है ना। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इस पे, कितने केसेस बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक, देखिएगा, जैसे आपका 54 आ गया तो 26 को हम दो बार घटाएंगे, यानी 26 को दो बार घटाने का क्या मतलब हो गया, 26 गुना 52 है ना। तो इसमें से क्या घटा देंगे, 52 घटा देंगे, तो कितना आया, 2 आया शेष, और 2 का मतलब क्या हो गया, बी, है ना। बात समझ में, तो आपका वृत्त का नियम हो गया, यानी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है ना जितने भी आपके नियम थे। ठीक, ये नोट नहीं करना है, है ना, ये आपको बस याद रखना, ध्यान में रखना, समझना है इसको बस, है ना। ये सब समझने वाली पार्ट है ना, अगर आप इसको समझ ले गए तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहेगा, कभी भी आपके माइंड से डिलीट नहीं होगा। बात समझ में आई। ठीक, आप देखेंगे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगी, कितने टाइप के बनेंगे। ठीक, देखिएगा, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका और कितने टाइप से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, तीन टाइप होते हैं भैया, है ना, तीन टाइप में बता देंगे क्या होता है। ठीक, देखिएगा, आपको एक तो आएगा फर्स्ट टू फर्स्ट, दूसरा क्या होगा, फर्स्ट टू लास्ट लेटर, है ना, इसके बाद क्या होगा, लास्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, है ना। बस इसी तीन नियम पर आपका आधारित होगा क्वेश्चन, बाकी आपके जितने भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, ये सब क्वेश्चन, ठीक, किसी भी, जैसे आपकी जोड़ का नियम हो गया, घटाव का नियम हो गया, गुणा का नियम हो गया, भाग का नियम हो गया, है ना, या इसके बाद आपको किसी सांकेतिक रूप में दे दिया जाए, किसी लेटर को अंग के रूप में चेंज किया जाए, है ना, किसी अंग को लेटर के रूप में चेंज किया जाए, या कभी कभी क्या होता है, दो लेटरों को साथ में लेकर के उसका योग बना करके एक कोड बना लिया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको हर तरीके से माइंड को लगाना होगा कि माइंड हम किस तरीके से डाइवर्ट करेंगे, क्वेश्चन हमारा आसानी से निकल आए, है ना। तो ठीक है, इसके आंसर को लगाने के लिए देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, नियम को समझेंगे, कितने नियम होते हैं इसमें टोटल। ठीक, फिलहाल मुख्यतः आपके चार ही नियम बनेंगे, कौन कौन सा, आपका पहला आपका जोड़, उसके बाद आपका आएगा घटाव, उसके बाद आपका आएगा गुणन, ठीक, इसके बाद आपका आएगा भाग। तो अभी तक जो देखा गया क्वेश्चन है, जोड़ का और घटाव का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, ठीक, गुणन का कम होता है और भाग का तो चांस बहुत कम ही होता है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन तो हमें नजर नहीं आया है, लेकिन जोड़ का घटाव का क्वेश्चन नजर आ गया है अच्छे से, है ना, और इसी पे बेस्ड होता है सब, सारे क्वेश्चन लगभग होते हैं, बस उसी में थोड़ा सा इंटरचेंज होता है। और इस प्रेजेंट टाइम में जो बाहर चल रहा है कोडिंग कोडिंग के लिए, सबसे ज्यादा त्रियक का नियम देता है, त्रियक का नियम, है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2019 वाले जितने भी पेपर हुए हैं, है ना, तो 2019 के पेपर में त्रियक का नियम विशेष बनाया गया था, है ना, लगभग पेपर्स में आपके यहाँ पे त्रियक का नियम क्या होता है, जैसे कोई लेटर आपके दे दिए हैं ऐसे, है ना, नीचे भी उसका संबंध बता दिया गया कि इसका संबंध इससे है, तो पहले इसको ऐसे बनाएगा, फिर इसके बाद ऐसे इसको बनाएगा, है ना,
यानी इस लेटर का संबंध पहले लेटर से बता दिया और सेकंड फर्स्ट का इसके सेकंड से बता दिया, ठीक। थर्ड का बना दिया फोर्थ से और फोर्थ का बना दिया थर्ड से, है ना। अब इसी में कुछ जुड़ेगा, कुछ जुड़ा होगा, कुछ भाग होगा, जो भी कराएगा देखते हैं आगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, इसी में आपको रिवर्स लेटर भी बना देता है ना। देखने में तो बहुत आड़ लगता है कि यार ये रिवर्स लेटर कैसे काम कराएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स लेटर आप क्वेश्चन में हम जब आएंगे तो वहां पे आपको रिवर्स लेटर के बारे में बता देंगे। बहुत ही आसान है ना, सबसे आसान टॉपिक वही आपका आता है ना, कोडिंग के कोडिंग। चलिए ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, है ना। फिर से इसको देख लीजिए कैसे होता है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कोड आपका यहाँ पे दे रखा है, है ना। जैसे मान लेते हैं स्कूल, स्कूल का कोड आपका कुछ दे रखा है, है ना। तो पहली बात, इसका संबंध किससे निकलता है, ठीक, और दूसरे वाले का किससे निकलता है, दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से और छठे का छठवे से निकलता है ना। उसी में कभी कभी आपका ये पहला नियम होता है, कभी कभी क्या होता है फर्स्ट का लास्ट में जाता है, यानी एच का संबंध यानी पहले का कहां पहुंचाएगा, लास्ट में पहुंचाएगा, है ना। इसके बाद अगले का इससे संबंध होगा, है ना, और वहीं पे क्या होगा लास्ट से लेकर के फर्स्ट होगा, ये लास्ट वाला क्या कराएगा, है ना। लास्ट टू लास्ट होता है यहाँ पे, लास्ट टू लास्ट होता है ना, ठीक, या लास्ट टू फर्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मूल आपके जो यहाँ पे हैं दो ही मिलेंगे आपको, है ना, दो से ही हम काम चलाएंगे, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब बताइए भी आप लोगों को कोड याद हो गया ना, एक अपोजिट लेटर तैयार हो गया, सर्कल का नियम तैयार हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखिएगा कोडिंग कोडिंग के जो चैप्टर्स हैं ये, है ना, ये लगभग मोस्टली एग्जाम में कितना कम, अगर मिनिमम की बात करें, है ना, तो दो से तीन क्वेश्चन तो रख ही देता है, क्योंकि रीजनिंग का बेस चैप्टर होता है ना। अब इस बेस चैप्टर में, ठीक, दो से तीन क्वेश्चन अगर आपको देना है, दो से तीन क्वेश्चन भी ये बहुत ज्यादा होता है ना। ये आपका नैया पार भी लगा सकता है और नैया आपका डुबा भी सकता है, इतनी क्षमता रखता है ना। मैंने कल बता भी दिया था कि तर्क शक्ति का मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता, है ना। तो जब आपके पास कैपेबिलिटी होगा तो आप नैया भी पार करा सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं होगा तो आप नैया को डुबा भी सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम आपके क्वेश्चन को टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, ठीक, जो जोड़ के नियम पर आधारित होगा। पहले हम जोड़ का कराएंगे, ठीक, फिर उसके बाद घटाव का कराएंगे, फिर उसके बाद गुणा का कराएंगे, फिर उसके बाद किसका कराएंगे, भाग का कराएंगे, फिर उसके बाद नियम को हम चेंज करते जाएंगे, क्योंकि एक नियम में दूसरा नियम निकल के आता है, दूसरा तीसरा में निकल के आता है, इसी प्रकार नियम आपका एक नियम चलता रहता है ना। चलिए देखिएगा पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका इस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर एक से। तो क्वेश्चन के लिखने का तरीका कैसे होगा, एक जो क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को, है ना, कैसे कैसे इसका लिखावट आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेगा, ठीक, कैसे आप पहचान होंगे कि ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको दिया रहेगा सांकेतिक भाषा के रूप में, है ना। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ब्रेन BRAIN ब्रेन का कोड
सी एस बी जे ओ ठीक लिखा गया हो ठीक, तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में मेकर का कोड क्या होगा, मेकर का कोड क्या होगा। ठीक, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बार बार इसको हम नहीं लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन को पहचान लीजिए क्या लिखा रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन का कोड इतना है ना, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेकर का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे एक तो पहचान के लिए आ गया सांकेतिक भाषा के रूप में, दूसरा यहीं पे लिखा रहेगा यदि ठीक ब्रेन का कोड इतना है ठीक, तो इसका कोड कितना होगा, ठीक ना। तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको कोड याद होगा, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में क्या होता है, सोचते हैं कि हम ऑफलाइन अगर पेपर होगा तो पेपर जैसे या कोई भी रफ पेपर पाएंगे या पेपर जैसे मिलेगा उसी में ए से लेकर कि जब तक जल्दी जल्दी लिख लेंगे, है ना। तो ये नियम गलत भी है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके समय में बड़ी फेरबदल हो जाएगी, है ना। आप क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओ, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि एक बार पेज पे देखोगे फिर क्वेश्चन पे देखोगे उसको मिलान कराओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हम ये मान ही चलते हैं कि एक बार क्वेश्चन देखोगे ठीक, और कोड देखने के लिए कम से कम कितना भी न्यूनतम अगर सेकंड लिया जाए तो 2 सेकंड तो लग ही जाएगा, है ना। और आपको हम ये गारंटी देते हैं आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जब 2 सेकंड में 1 लेटर देखोगे तो अगर 5 लेटर वाला 10 सेकंड तो निकल गया, है ना। बहुत ही आसान है ना। देखिएगा कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सीधा सीधा हम लिख लेते हैं क्या लिखा गया है, ब्रेन बी आर ए आई एन, है ना। ब्रेन का कोड क्या लिखा गया है, सी एस बी जे ओ लिखा गया है, है ना। देखिएगा अब देखिए, सर्वप्रथम हम यहाँ पे बता देंगे कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, है ना, इसका मेथड कैसे बनाएंगे। देखिएगा तो बी का कोड आप लोग भी बोलते रहिएगा, बी का कोड कितना 2, R का कोड कितना 18, A का कोड कितना 1, I का कोड कितना 9, N का कोड कितना 14 ठीक। इसी प्रकार C का कोड कितना 3, S का कोड कितना 19, B का कोड कितना 2, J का कोड कितना 10, O का कोड कितना 15, है ना। तो पूछा किसका है, मेकर का, है ना, मेकर M A K E R, मेकर का कोड क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखते हैं, ये जो आपका ब्रेन बराबर इतना दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं इस पूरे पार्ट का यानी इस पूरे लेटर का संबंध किससे है, इससे है, है ना। तो जो संबंध इसका इसमें होगा वही संबंध इसका इसमें होगा, है ना, बिल्कुल आसान है। देखिएगा जो संबंध यहां से यहां पे प्रदर्शित किया जा रहा है वही संबंध यहां भी प्रदर्शित कराएंगे, यानी वही नियम वही चीज वही यहां भी फॉलो कराएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा, है ना, कि यहां पे कुछ और चल रहा है यहां पे कुछ और चलेगा, बिल्कुल गलत है। जो संबंध यहां पे और इससे स्थापित कराएगा वही संबंध यहां और इससे स्थापित कराएगा। बात क्लियर है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे कोड कितना है 2 है, यहाँ पे कोड कितना है 3 है। पहले हम दिमाग में लेके चलेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया था फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कोड कितना है 2 है, यहाँ पे कितना आ गया 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 जुड़ गया है, है ना। अगले वाले में देखिएगा यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना है 19 है, क्या जुड़ा 1 जुड़ा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, कितना जुड़ा 1 जुड़ा। फिर अगला क्या है 9 है, यहाँ पे 1 जुड़ गया, कितना बन गया 10। यहाँ भी देखिएगा कितना हो गया 1 जुड़ा, 14 में 1 जोड़ दो कितना मिल गया 15। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक लेटर में क्या किया गया है, एक एक को जोड़ा गया है, ठीक। तो जो नियम यहाँ पे फॉलो किया है वही नियम यहाँ पे फॉलो करा दो, है ना। अब इतना भारी भरकम लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए हैं, है ना। अगर जब आप 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे तो बहुत ही आसान होगा, सीधा क्वेश्चन आपको एक बार में से
देख के पहचान जाओगे, है ना, यहाँ तो बी है यहाँ तो सी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले में एक जुड़ गया तो चेक करने के लिए बीच में से एक चेक कर लो, एक लास्ट में चेक कर लो, है ना, टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत करना, आराम से निकल आएगा। तो ठीक दिखेगा, तो यम का कोड यहाँ पे कितना है 13, ए का कोड कितना है 1, के का कितना है 11, ई का कितना है 5, आर का कितना है 8। बस समझ में। अब देखो जब सभी लेटर में एक ही जोड़ा गया तो यहाँ भी आप जोड़ दो, 13 एक कितना 14, 14 के लिए कोड कितना आएगा एन आएगा, 1 है 1 में जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का मतलब कोड कितना बी आएगा। ठीक, यहाँ कितना है 11, 11 में जोड़ दो 12, 12 का मतलब क्या हो गया एल हो गया, 5 से 5 में जोड़ दो कितना हो गया 6, 6 का मतलब कितना हो गया एफ हो गया, यहाँ पे 18, 18 में जोड़ोगे 19, 19 के लिए कितना कोड आएगा एस आएगा। तो आपका आंसर क्या बन गया, एन बी एल एफ एस, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आया सभी को। ठीक, ये इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था कि कैसे कैसे नियम पे काम करता है, बात समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेंगे, ठीक नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, अब ध्यान में दीजिएगा आप लोग, थोड़ा रीजनिंग का आज हमारे चैप्टर में जैसे मैंने कब कमिटमेंट किया था कि भाई कल से मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो कुछ लोगों ने बताया कि सर आप कोडिंग डिकोडिंग ही स्टार्ट करिए, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग ही स्टार्ट किया है। ठीक ना, तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे है ना उतने ही हमारे अंदर क्या आएगा एनर्जी आएगा, और जानते हो कि बिना एनर्जी कुछ काम होता नहीं है, है ना, तो कहीं ना कहीं हमको आप लोग ही एनर्जी देंगे, अगर आप लोग एनर्जी नहीं देंगे हमको तो हम कहां से पढ़ाएंगे भाई, जब मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो बोलेंगे कहां से, बात समझ में। ठीक, तो वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, ठीक, और उसको सब्सक्राइब भी करवाइएगा, ठीक ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक लाइक दे देंगे तो समझ लीजिए मेरा एक पॉइंट एनर्जी बढ़ गया है ना, तो एक एक पॉइंट अगर भैया एनर्जी बढ़ेगा तो एक मुहावरा जानते हो, बोझ बोझ से क्या बढ़ता है घड़ा भर जाता है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, है ना, इसी पे हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक, चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, अब हम कहेंगे बार बार ये नहीं बोलेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है। ठीक, आप लोग इसको समझ जाइएगा, अगर हम लिखेंगे इतना बराबर इतना है ना तो आप समझ जाइएगा कि कहीं कहीं इसका कोड क्या है ये है ना। ठीक, कोड देखिएगा मेंटल MENTAL मेंटल है ना, मेंटल का कोड कितना है लिखिएगा NFOUBM है ना, यानी मेंटल बराबर इतना, तो एबिलिटी है ना, एबिलिटी ABILITY, तो एबिलिटी का कोड क्या होगा बताइए सभी लोग, हाँ प्रयास कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन थोड़ा फास्ट, हमें 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को निकालना है, जैसे हमें क्यों ना कितना फास्ट करना पड़े है ना, लेकिन जल्दी जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर मत करना है। ठीक, चलिए आगे आओ सभी लोगों को। ठीक, देखिएगा यहाँ पे यम का कोड कितना है 13, ई का कितना है 5, एल का कितना है 14, बीस टी का कितना है 20, ए का कितना है 1, ठीक, एल का कितना है 12। ठीक, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं 14, 6, 15, 21 और उसके बाद 2, उसके बाद 13। हम क्या किए, सभी लेटर के ऊपर उसका कोड हम नोट कर दिए हैं। ठीक ना, अब देखिएगा नियम क्या चल रहा है इसमें, देखिएगा पहले लेटर को पहले लेटर से मिलान कराएंगे,
अभी पहले का लास्ट से मत लेके जाना, हम बताएंगे कब लेकर के जाना है ना, अपने मन से मत भागते रहना। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितना है 14 है, कितना जुड़ा है प्लस 1, कितना हुआ प्लस 1। अगले में क्या हुआ है, इसमें भी क्या हुआ प्लस 1, अगले में भी क्या 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 हुआ है ना प्लस 1। ठीक, इसका तीर यहाँ पे जाएगा, इसका तीर यहाँ पे जाएगा और इसका तीर यहाँ पे जाएगा। ठीक ना, तो यानी क्या हुआ सभी में एक एक को जोड़ा गया है। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी जोड़ लीजिए। तो आप देखिएगा, अब बार बार कोड लिखने वाला झंझट खत्म हो गया है ना, बहुत हो गया कोड। ठीक, अब डायरेक्ट काम करेंगे, ए का कोड कितना है, एक है ना, तो एक में जोड़ो क्या मिलेगा दो। इसी प्रकार बी का कितना हो जाएगा सी। ठीक, नौ है तो नौ यहाँ कितना हो जाएगा दस। ठीक, लाइन की गिनती लिखेंगे लेटर, ऐसे अगर दिमाग में बैठा होगे लाइन की यहाँ पे लिख देखेंगे, सोचेंगे अंदर में कैलकुलेशन करेंगे गिनती के रूप में, लेकिन वास्तव में किसके रूप में लिखेंगे लेटर के रूप में लिखेंगे है ना। तो यहाँ पे 12, 12 है कितना 13, यहाँ पे 9, 9 है कितना 10 है ना, यहाँ पे 20 है, 20 है 21। ठीक, उसके बाद 25, 25 है 26, आपका आंसर मिल गया। ठीक, समझ में आ गया सभी भाई है ना। चलिए हाँ ठीक, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक चीज और बता दें आपको, अब यहां से जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि भैया देखिए इसमें टाइप बहुत ढेर सारा है, बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं है ना। तो अगर हम कहें कि टाइप फर्स्ट लिखो, टाइप सेकंड लिखो है ना, फिलहाल हम तो यहाँ पे जिक्र करते रहे कि दूसरे मेथड का है, लेकिन आप लोग वहां पे पकड़ लीजिएगा है ना, हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक, ये इस टाइप में चल रहा है। ठीक ना, तो आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लेकिन यदि किसी सांकेतिक भाषा के रूप में, यदि किसी सांकेतिक भाषा के रूप में फ्रेंड FRIEND फ्रेंड का कोड DPG CLB बी मतलब बॉल वाला, बी या बैन वाला नहीं है, बॉल वाला है ना, CLB लिखा गया हो तो लवली का कोड क्या होगा LOBELY लवली का कोड क्या होगा। ठीक, चलिए ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ठीक ना, कोई भी जो भी प्रॉब्लम आपको हो है ना, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉल्ट नजर आए है ना, या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।